हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्रवाल। डे 56 में और पार्ट दो में है इलेक्ट्रिक सर्किट के विद्युत परिपथ। कल की क्लास में मैंने कर लिया था, मैंने स्टोन सेतु के बारे में पढ़ा था कि सिद्धांत क्या है उसका, पी एफ क्यू इज इक्वल टू आर कौन एस होता है, और किरचॉफ के नियम प्रथम और द्वितीय नियम कर लिए थे। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हेवी स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। संतुलन अवस्था की हमने बात कर ली थी, संतुलन अवस्था होती है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। बीटी स्टोन सेतु का डायग्राम भी हमने बना के थोड़ा आपको समझा था कि कैसे उसका यूज करना है। अब हम उसमें प्रूफ करेंगे कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है कि बीटी स्टोन सेतु के लिए सिद्ध कीजिए पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, जहां सिंबल्स प्रतीकों के सामान्य होते हैं। सामान्य होता है तो पी क्यू आर एस जो सारे प्रतिरोध है। अब इसके प्रूफ के लिए हमें सबसे पहली बात वीटी स्टोन सेतु पता होना चाहिए कैसे होता है, कैसे पढ़ता है, जैसा हमने डायग्राम बनाया था। दूसरा ये भी पूछ ले इसके अंदर, ये भी कहते हैं संतुलन की अवस्था को परिभाषित करते हुए इस प्रतिबंध को उत्पन्न विद्पन्न कीजिए या व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो संतुलन की अवस्था को हम कल परिभाषित कर चुके हैं, और परिभाषित परिभाषा क्या थी कि जब सेतु में जुड़े धारा मापी से जाने वाली धारा का मान शून्य होता है तब सेतु जो है वो संतुलन की स्थिति में होता है। इन शॉर्ट वी कैन से व्हेन आईजी इज इक्वल टू 0 देन वीटी स्टोन दिस विल बी इन अ बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलन की अवस्था में होगा। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं आप संतुलन का मतलब क्या है। संतुलन का मतलब केवल इतना सा बता दें कि आईजी इज इक्वल टू 0 है तो भी इसके अंदर कंप्लीट वही बात है। और मेन प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये काम किस में करता है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये संतुलन की अवस्था में ही इसको फॉलो करता है तभी रिजल्ट दे सकता है। संतुलित नहीं है तो इसके मान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब इक्वेशन में आईजी रहेगा, तब तक हम उसको उस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस की फॉर्म में नहीं ले जा सकते। इसलिए आईजी इज इक्वल टू 0 आपको जरूर ध्यान रखना है। अब पढ़ाते हैं जैसा ही हमने पहले पढ़ाया था, फिर दोबारा पढ़ा लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। सर सेतु को आप देखिए ध्यान से कैसे पढ़ रहे हैं, चार प्रतिरोध लगे हैं, वैसे तो पांच प्रतिरोध है, बिकॉज धारा मापी जो है वो भी एक प्रतिरोध का ही काम करता है, इसीलिए वो भी प्रतिरोध है जी की। लेकिन वो क्या हो जाएगा, जब उसमें से करंट 0 जाएगा तो वोल्टेज भी 0 हो गया, बिकॉज बी इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह आई जी और आर की जगह कैपिटल जी, तो आई जी का मान 0 है तो गुणा पी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए ये वीटी स्टोन सेतु है, इसके बीच में क्या लगे हैं, धारा मापी लगे हैं और एक प्रतिरोध इस साइड लगे हैं, इस तरह से इसको जोड़ा गया। कनेक्शन करने के लिए एक बैटरी लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और करंट प्रवाहित कर सकते हैं। प्लस से माइनस की ओर होगा, करंट ऐसे जाएगा, टोटल वोल्टेज बी है, करंट आई है, तो यहां तक क्या जाएगा, आई जाएगा। अब इसे बंद भाग देखेंगे तो एक बंद भाग ये बनेगा, इससे संबंधित न्यूमेरिकल की बात हम करेंगे बाद में, इसीलिए पहले हम इसको कर रहे हैं। तो उसमें लूप नियम ही अप्लाई होगा, ये जो सरादी कैलकुलेशन करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम को यूज करते हुए ही करेंगे, क्योंकि ये यहां से शुरू, अगर हम देखें ए बी सी डी, तो ए बी डी ए ये बंद भाग हो गया, इसमें कोई बैटरी नहीं है, देखो कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी नहीं है तो विद्युत भाग पर ई की वैल्यू 0 हो गई, और आई आर कैसे आएगा, इसका आई और इसका आर, इसमें से आई इसका आर, इसके में से आई इसका आर, बराबर 0, क्योंकि बराबर क्या होता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, बैटरी नहीं है तो बराबर 0 आ जाएगा। इसमें भी देखें तो सिग्मा आई आर की जगह तो आई इसका आर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां इसका आ जाएगा, जो सेम डायरेक्शन में वो जुड़ जाएंगे या अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें भी बैटरी नहीं है। इसको भी हम ले सकते हैं, देखो ये कैसे बढ़ेगा, वैसे हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। कैसे करेंगे, ये ऐसे बन भाग बढ़ रहा है, इधर से जा रहा है
नीचे वाली ये प्रतिरोध कहां आएगा, इधर वाला ये प्रतिरोध कहां में आएगा, और ये यहां से पूरा कार्बन गया। तो इसमें से जो करंट जा रहा है ऐसे जा रहा है, मान लो इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, बराबर क्या आएगा, बराबर इसका जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी दी थी तो बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं, तब इसलिए मैं बता रहा हूं पहले कि बाद में यूज करना हो तो आप पता रहे कि हमें किस प्रकार से यूज करना है, लूप नियम का यूज करते हैं, और वही हम यहाँ डेरिवेशन पोर्शन में करेंगे। उसको ध्यान से समझ लोगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही बात है न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, नंबर्स डिजिट दे दिए जाते हैं कि यहाँ हम पी क्यू लिखेंगे, वहां दे देंगे ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, करंट दे देंगे इसमें 2 एम्पीयर जा रहा है, इसमें 3 एम्पीयर जा रहा है, इसमें 5 एम्पीयर जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। बात करते हैं, देखो ये पी है प्रतिरोध, क्यू है प्रतिरोध, आर है प्रतिरोध और एस है प्रतिरोध, क्लियर। यहां तक करंट आएगा, इधर और इधर कितना कितना जाएगा हमें नहीं पता है, प्रतिरोध के अनुसार जाएगा, इसलिए इसमें से जाने वाला करंट मान लेते हैं I1 है और इसमें से जाने वाला करंट मान लेते हैं I2 है। विभव V बराबर IR होता है, तो इस पर विभव कितना आ गया I1 इंटू पी, इस पर विभव कितना आ गया I2 इंटू आर। अब देखिए यहां तक I1 ही जाएगा, यहां इस I1 के दो टुकड़े हो जाएंगे, कुछ करंट इधर जाएगा, बचा हुआ इधर जाएगा। अब इसमें से जो करंट जाएगा उसको हम क्या मान रहे हैं IG में से जाने वाले करंट को क्या लिख रहे हैं IG, और बचा हुआ कितना बचा, I1 आया था उसमें से IG निकल गया, तो कितना बचा I1 माइनस IG, वो किसमें से चला जाएगा, वो इसमें से चला जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बाहर, या करंट डायरेक्शन लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, यहां से देखे तो क्या आ रहा है IG आ रहा है, दोनों इकट्ठे हो गए तो इसमें से जाएंगे क्या हो गया I2 प्लस IG और वो करंट क्या आएगा यहां पर पहुंचे, ये हो गया बंद, ये तो भी करंट के डायरेक्शन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, माना PQR चार प्रतिरोध वीटीस्टोन सेतु में जोड़े गए हैं, बिंदु B और D के मध्य धारा भी जोड़ा गया है, धारा B का प्रतिरोध कैपिटल G है, इसमें प्रवाहित धारा IG है। संतुलन की अवस्था में, जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो धारा मापी से जाने वाली धारा IG बराबर 0 होती है, तो IG बराबर क्या करते हैं 0 कर देंगे। अब देखो आप इसमें लगाते हैं लूप नियम, लूप नियम इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, लूप नियम किसकी बात कर रहे हैं, यहां लिख लो लूप कौन सा ए बी डी ए में, ये दिखाई दे रहे हैं, देख लेना दिख रहा है, इसमें उधर लिख रहा हूं ऊपर दिखाई दे रहे, कौन सा लूप है ये ए बी डी ए में, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या नियम लगता है। अब देखो आप इसमें करंट की डायरेक्शन किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं इधर से, मैंने एरर में से लगा दिया कि करंट ऐसे जा रहा है, अब बंद लूप है तो किसी को देखना ए बी डी ए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, जब मतलब होगा तब बात करें, अभी कोई मतलब नहीं है, ए बी डी ए हमने, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ऐसे भी ले सकते, इसकी आदत की जरूरत नहीं है जैसे भी ले, लेकिन जो आपने एरो ले लिया उस एरो की डायरेक्शन में जो वैल्यू जा रही है करंट जा रहा है वो तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और जो उसके अपोजिट सामने से आ रहा है वो करंट क्या हो गया निगेटिव हो गया। यहां से I1 पॉजिटिव है, देखो ये इधर जा रहा है और ये भी इधर ही आ रहा है, इसके पीछे दोनों आगे पीछे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है इसीलिए दोनों पॉजिटिव, अगर इसे देखें तो ये एरो तो इधर इधर आ रहा है, घूम के ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये किधर से जा रहा है सामने से जा रहा है ये, तो ये क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसलिए ये क्या आया माइनस में। तो देखो इसका विभाजक क्या होगा, इसका विभाजक क्या होगा I1 इंटू पी, इसका विभाजक प्लस
आई जी इंटू जी माइनस, इसका क्या होगा, माइनस क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये सामने से अपोजिट डायरेक्शन, आई टू इंटू आर और बराबर जीरो, ये बराबर जीरो दे देंगे। भी क्यों लिया है, क्यों लिया है क्योंकि इस बंद भाग के अंदर कोई बैटरी नहीं है, इसलिए यहां कोई विद्युत भाग बल नहीं है। टोटल वोल्टेज क्या हुआ इस बंद भाग का, जीरो का। अगर बैटरी होगी न्यूमेरिकल में बैटरी जोड़ी जाएगी, इसलिए अगर जब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां बैटरी जोड़ी होगी, पांच वोल्ट तो बराबर पांच लेंगे, दस बराबर दस जितना भी किया होगा उतना। अब एक बार हमने ये कंपल्सरी कंडीशन पहले बात कर ली कि ये किसमें काम करता है, संतुलन में ही काम करता है, और संतुलन की कंडीशन है आई जी बराबर जीरो, आई जी बराबर जीरो रखते हैं, यहाँ ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या है आई वन पी माइनस आई टू आर बराबर जीरो, ये इधर चला जाएगा, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, आई वन अपॉन आई टू एक तरफ ले लो, आई वन अपॉन आई टू बराबर क्या हो गया आर अपॉन पी, इसे दे दे समीकरण नंबर एक। आइए समझ में, एक बंद भाग को सोल्व कर लिया, दूसरे बंद भाग को सोल्व कर लेते हैं, दूसरी समीकरण आ जाएगी। अबे वो इसमें भी फिर वही बात कर लिया, बंद भाग कौन सा, लूप कौन सा बंद लूप, बी सी डी बी सी, बी से शुरू है सी, सी से डी तक गए और वापस बी तक पहुंच गए, हो गया अब बी से शुरू है बी से पहुंच गए तो बंद भाग हो गया। इसमें देखें तो किधर से भी शुरू कर लेते, इधर से सेम ले लेते हैं, सीधे से इसमें लिए ऐसे इसमें ले लेते। अब देखें तो ये एरो और इसका एरो जो हमने लिया है, रिज्यूम किया है, वो दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में, इट मींस दिस विल बी पॉजिटिव। अब देखें तो ये देखो ये एरो इधर से आ रहा है और ये किधर जा रहा है, इसके सामने जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये किसमें लेने पड़ेंगे माइनस में। अब देखो ये एरो इसके पीछे है, किसी डायरेक्शन में इसके पीछे, यहां से इसको घुमाएंगे ऐसे भी जाएंगे ऐसे पहुंचेंगे, तो ये क्या होगा सामने से, इसीलिए ये पार्ट भी क्या हो गया निगेटिव। अगर आप इधर से ले लें तो भी कोई दिक्कत, और ऐसे भी कर सकते हैं एक को इधर से ले लो एक को इधर से, कैसे कोई इशू नहीं, कैसे भी ले सकते हैं, इधर से ले लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, समझना है, समझ लोगे तो ये इसके रट्टे भी मारने पड़ेगी, पता लगेगा भी आप भी आप सो अपने भी सोल्व यहां कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देख देख के लिख रहे हैं सब चीज, वैसे देखा जाएगा सब चीज क्या कर रहे हैं देख देख के लिख रहे हैं, हमने केवल सेतु जब समझ रहे हैं तो सेतु के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिटिश टोल ब्रिज ऐसा होता है, बाकी सारे अपने पूर्ण नॉलेज जो है वो काम आ रही है कि आई करंट आ रहे हैं, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, पता नहीं कितना है इसलिए आने वाला है टू वन, या आने वाले फिर दो ब्रांच में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें जाने वाले को आई जी एज्यूम कर रहे हैं, आई जी लिख रहे हैं, जितना होगा वो भी इसके प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा, इसमें कितना जा रहा है बचा हुआ इसमें जा रहा है सब लिख लिया हमने। अब हमने नियम पढ़ लिया किरचॉफ का, वो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ये कन्फर्म पता होना चाहिए कि किस में काम कर रही है, संतुलन में, तो संतुलन की स्थिति क्या है आई जी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करो आई जी का मान जीरो पुट कर दो, इक्वेशन आ गए। अब नेक्स्ट बात करें दूसरे लूप की, उसमें भी ये बात अप्लाई करनी है, फिर दोनों में कॉम्बिनेशन देख लो जैसे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग दे दी, तो कोई भी ऐसी चीज दे लो डायरेक्ट फोर्स होती है कुछ ऐसा कुछ लिखना पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज हमें क्या कर रहे हैं देख देख के लिखनी है। अब इसमें से देख देख के लिखते हैं, देखो क्या करेंगे इससे इधर से ले रहे हैं तो ये तो करंट हो गया आई आर होता है वोल्टेज, आई जी लिखे तो आई वन माइनस आई जी आएगा, देते हैं आई वन माइनस आई जी, प्रतिरोध की जगह क्या है आर की जगह क्यों है। अब देखो ये दोनों माइनस में किसी को भी लिख दो, पहले बात कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आई जी एस माइनस इसमें से जाएगा आई टू प्लस आई जी, ये सॉरी आई जी जी है इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध एस है, इसमें भी कोई बैटरी भी लगी है तो बराबर ये भी जीरो आएगा। अब संतुलन में काम करते हैं तो आई जी बराबर जीरो रखना ही है, आई जी बराबर जीरो रखने पर तो आई ये जीरो क्या आया आई वन इंटू क्यू, ये जीरो हो गया माइनस जीरो माइनस, ये आई जी जीरो गया तो आई टू इंटू क्या आ गया एस बराबर जीरो, तो आई वन क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आई टू एस, इसमें देखो आई वन अपॉन आई टू अलग किया था, यहां भी क्या कर लो आई वन अपॉन आई टू को
अलग कर लो किसको उधर ले लो, तो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू एस अपॉन समीकरण एक और दो अगर देखें तो क्या है, क्या है LHS सेम आई वन अपॉन आई टू, उसमें भी है इसमें भी आई वन अपॉन आई टू सोल्व कर लिया, LHS सेम है तो RHS भी क्या होगी सेम होगी, आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बस कंप्लीट हो गया, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू हो गया, तो P को इधर ले जाओ S को इधर ले जाओ, तो R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q हो गया, ये हैंड प्रूफ, ये बात हमें सिद्ध करनी थी, तो सिद्ध करने के लिए आप वही पूछ लिया जाता है, तो आप वही पूरा डेफिनेशन करना है, महत्वपूर्ण है ये, इसमें कि जो का प्रथम नियम पूछ लेते हैं उससे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, द्वितीय नियम पूछ लेते हैं, प्रत्यय नियम किस पर आधारित है, द्वितीय नियम किस पर आधारित है, डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक डेरिवेशन है लगभग, बाकी छोटी छोटी बातें हैं, एक तो बाकी महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस चैप्टर का यही है जो पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में लास्ट में आया था ये तो 19 के एग्जाम में 2019 में। अब देखो इसके लिए न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम आगे, तो इन्हीं बातों का हम यूज करेंगे, इसलिए आगे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मीटर सेतु। अब आते हैं प्रैक्टिकल, ये इसकी बेसिक बातें हो गई, अब आएंगे प्रैक्टिकल के टॉपिक पर, तो प्रैक्टिकल की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कैसे होगा वो भी हम लैब में जाते हैं और उसका भी शूट करके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, पहले आप इसकी गूगल प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में मीटर सेतु की बात करेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करें और पढ़ें, थैंक यू।